अगर आप चाहते हैं अपने साइड ऑब्लिक्स को अच्छे से ट्रेन करना तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस पर मैं पहले दो वीडियो बना चुका हूँ। पहले मैंने बनाई थी कि आपका जो ट्विस्टर है वो यूज़फुल क्यों नहीं होता, बल्कि वो हार्मफुल होता आपके लिए, क्योंकि उससे उसमें जो मूवमेंट होती है वो आपकी लोअर बॉडी से आती है। दूसरे में मैंने उसकी थ्योरिकल और साइंटिफिक नॉलेज आपको समझाई थी कि कैसे आपका टॉर्सो रोटेशन से आपके जो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक्स हैं वो ट्रेन होते हैं। आज मैं एक्सरसाइज की वीडियो लेके आ रहा हूँ, तीसरा पार्ट बना रहा हूँ कि कैसे आप एक्सरसाइज करें, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एक्सपोज फिटनेस टीवी का एक फ्रेश एपिसोड। शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहली जो एक्सरसाइज होगी हमारी वो होगी केवल टॉर्सो रोटेशन। केवल टॉर्सो रोटेशन करने का बेनिफिट दोस्तों यही है कि इसमें आप जितना चाहे वेट ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें वेट ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट पहले से बेहतर मिलेगा, प्लस इसमें मूवमेंट जो रहेगी वो आपकी टॉर्सो रोटेशन ही रहेगी, मतलब कि मूवमेंट जो है वो आपकी अपर बॉडी से ही आएगी। आप चाहें तो अपवार्ड टू डाउनवार्ड मूवमेंट कर सकते हैं, डाउनवार्ड टू अपवार्ड कर सकते हैं, या सिंपली इसको रोटेट भी कर सकते हैं। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि यार हम तो डंडा ही घुमा ले, डंडे से ही रोटेशन कर ले, टॉर्सो रोटेशन कर ले तो रिजल्ट आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपको रेसिस्टेंस नहीं मिल पाता। केबल क्रॉसओवर में जो मशीन है उसमें आप रेसिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट करने का दोस्तों बेनिफिट यही है कि इसमें न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव हो जाता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आने के कारण, प्लस इसमें आप रेसिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं और मूवमेंट आपकी टॉर्सो रोटेशन ही रहेगी। प्रोग्रेस करना चाहे तो प्रोग्रेशन इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि प्रोग्रेशन जो करना है आप डिक्लाइन बेंच पर चले जाएं और वहां पर टॉर्सो रोटेशन करें। यहाँ पे अगर करेंगे तो ज़्यादा देर तक लोग सबस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है, मतलब कि जब आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो फोर्स जनरेट होती है बिना मसल की लेंथ चेंज हुए, तो इसलिए लोग ज़्यादा देर तक सबस्टेन नहीं कर पाते। बट इसका बेनिफिट यही है कि जब इसको करेंगे तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा इम्प्रूव होगा और इससे जो मसल और नर्व्स का कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। प्लस इसमें आप रेसिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो वेट से भी रोटेशन कर सकते हैं और ये पहले से ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देगी। ये दो तीन एक्सरसाइज आपको करनी है, 12 से 16 रेपिटेशन रखने हैं, 2 से 3 इनके सेट रखने हैं। आप रिजल्ट खुद ही देख लेंगे, 10-15 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।